बहुत कुछ ये बयान नहीं कर सकते, लेकिन गॉड ब्लेस हमें ना बहुत साल से वेट कर रहे थे। एक्साइटमेंट पूरा है, जोश है पूरा सबके अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट्स अ बिग प्लेजर टू एक्चुअली कम टू दिस इवेंट एंड आई एम रियली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। वी आर हियर टू वेलकम मोदी जी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आज इन पर्सन पहली बार आमने सामने इतने डिस्टेंस पे होगा। बहुत एक्साइटमेंट, आप देख भी सकते हो ऑलमोस्ट सेम अटायर पहन के आए हूँ मैं। वेलकम प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनेई। वेलकम टू ब्रुनेई। वी आर वेरी हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग दिस विजिट। आई नो दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग अ विजिट टू ब्रुनेई। वी द इंडियन डायस्पोरा इज रियली वेरी वेरी प्लीज्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर मेकिंग दिस वन एंड लेट अस होप good things will come out of this visit for both our countries. We are so excited to see our Prime Minister. He is the Iron Man of our nation. Surely he can bring change to our nation, and we are eagerly waiting for his arrival. So happy, all our family members are here to welcome him. I am very excited to meet our Honorable Prime Minister Narendra Modi. It's a big pleasure to actually come to this event. And I'm really at a loss of words. I'm really excited to see it. ये मेरी पत्नी है लक्ष्मी, और मेरी माता जी वनमाला, और मेरी सासू माँ सुंदराबाई, और मेरी बेटी गायत्री जी। हम सात फैमिली के साथ आए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक समय है हमारे लिए। सो मोदी जी को पहली बार हम यहाँ पे देख रहे हैं, और हम बयां नहीं कर सकते हम लोग कितना खुश है। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी our honorable prime minister modi ji. We are very much excited and I would say thrilled to see our prime minister, and we are very very much excited to welcome and greet prime minister modi. Prime minister modi is a very different person. He has made his presence felt globally, and I can say like there is a era which was different before modi and after modi. So after modi ji, recognition of each and every Indian has increased so much. So we feel proud to be an Indian, and we are really really excited to welcome our prime minister modi. Bahut kuch ye bayan nahi kar sakte, lekin god bless hame na क्या बोलूँ, बहुत साल से वेट कर रहे थे, आएंगे आएंगे करके एट लास्ट वी कैन सी मोदी। बहुत ही खुशी है। मोदी जी वेलकम टू ब्रुनेई अवार्ड ऑफ पीस। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक दो दिन में आप देखेंगे तो फिर भी अच्छा लगेगा आपको। हम इंडियंस यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनमें क्या माहौल है, कितना एक्साइटेड है? अभी तो इतना फुल हो रहे हैं ना, छोटा ये है, लेकिन फिर भी पूरी रात तक हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट किया है। तो यहाँ चांसलरी और मॉस्क के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और सबको बहुत उत्सुकता है उनसे मिलने के लिए। अभी तक उन लोगों ने टीवी पे देखा, आज उनको सामने देखने का सबको मौका मिल रहा है, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। आने इस कुछ सालों से हम देख रहे हैं इंडिया की इम्प्रूवमेंट है। एंड फॉर मी दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई मेट हिम इन म्यांमार ऑल्सो। लास्ट 2018 में मैं वहाँ थी, सो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और अभी दोबारा से उनका बहुत हम उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं मिलने के लिए। वी आर हियर टू वेलकम मोदी जी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर द पास्ट टू थ्री डेज। एज सून एज वी हर्ड द न्यूज़ दैट ही इज़ अराइविंग टू ब्रुनेई, वी आर सो एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग हियर। अराउंड मोर देन 300 पीपल आर गैदर्ड हियर टू वेलकम मोदी जी। या दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट।